हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। और अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो पे आप सबका स्वागत है बच्चों। और आज मैं आपके पास ले आया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑन सर्कुलर मोशन फ्रॉम एसी वर्मा। तो एसी वर्मा सर की बुक से जो सर्कुलर मोशन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज ऑफ नीट परस्पेक्टिव, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो नीट के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, या जैसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं जो डायरेक्टली एसी वर्मा से हैं, एसी वर्मा के कंसेप्ट पे बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन बच्चे मैं सीरीज में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरा नाम है अमन सिंह एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा राजस्थान, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन कोटा राजस्थान फॉर बोथ आईआईटी एंड मेडिकल प्रिपरेशन। और इससे पहले बच्चे मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आकाश इंस्टीट्यूट और बंसल क्लासरूम में भी काम कर चुका हूँ। और अब बच्चे मैं आपके अपने अनअकैडमी स्टूडियो प्लेसिबो पे भी अवेलेबल हूँ। और अब यहाँ पे बच्चे मैं आपको बहुत एक अच्छी तरीके से फिजिक्स कम्प्लीट तरीके से पढ़ाऊंगा। एंड हियर इज द टीम, डॉक्टर बकुलदेव, डॉक्टर बकुलदेव, डॉक्टर आनंद मणि, ऋतु रतेवाल मैम, मैं खुद, हर्ष जलानी सर, विपिन शर्मा सर। तो मैं यहाँ पे फिजिक्स ले रहा हूँ, बाकी लोग केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस ले रहे हैं। और इस पूरे चैनल पे बच्चे नीट 2020 से पहले आपको जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है नीट परस्पेक्टिव से, वो सारी चीजें मिलती रहेंगी। प्लस जो बच्चे 2021 या 2022 के लिए भी फोकस है, वो भी इस चैनल को फॉलो करते रहे, उनके लिए भी बच्चे बहुत कंसेप्चुअल तरीके से नॉलेज मिलती रहेगी, कंटेंट मिलता रहेगा, अपडेट्स मिलते रहेंगे, पेपर्स मिलते रहेंगे, क्वेश्चन मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो अगर जैसे फिजिक्स में सिर्फ मेरा ये एसी वर्मा सर की जो बुक्स का सीरीज मैं लेके कंपाइलेशन में आपके पास लेके आया हूँ, सिर्फ उसको ही अगर बच्चे आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके रैंक्स काफ़ी अच्छी आ सकती हैं। एंड हियर इज द गेम, ये अपना यूट्यूब पे चैनल है नीट प्लेसिबो नाम से, सॉरी टेलीग्राम पे चैनल है नीट प्लेसिबो नाम से, उसको बच्चे आप फॉलो कर सकते हैं। उसको फॉलो करेंगे तो इस पे बच्चे सारे सभी वीडियो के इंपॉर्टेंट लिंक्स, नोट्स, होमवर्क, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करें। एंड हियर इज द टीम, मैं खुद अमन सिंह, डॉक्टर आनंद मणि एंड हर्ष जलानी सर। तो हम तीनों लोग मिलकर बच्चे आपके लिए प्लस पे डेडिकेटेड क्रैश कोर्स लाए। दिस इज ओनली अवेलेबल, दिस कोर्स, जिस कोर्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, दिस ओनली अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस। तो इस प्लस पे जो कोर्स है, ये क्रैश कोर्स है, बेसिकली क्रैश कोर्स फॉर नीट 2020, ठीक है। इसमें कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स है, इसमें बच्चे आपकी थ्योरी भी है, क्वेश्चंस भी हैं एंड टेस्ट भी हैं, एवरीथिंग, डिटेल्ड थ्योरी, डिटेल्ड क्वेश्चन, डिटेल्ड टेस्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे कि आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए, स्पीड बढ़ जाए, वो सारी चीजें बच्चे कवर की जा रही है। डिटेल्ड कोर्स चल रहा है, नॉट लाइक जस्ट लाइक यूट्यूब। द प्लस पे जो बच्चे कोर्स है वो पूरा डिटेल्ड, डेडिकेटेड, डेली की डेली 2 घंटे की क्लास होती है और हर दिन होती है, कोई गैप नहीं है, तो नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा अवेलेबल है, तो काफ़ी डिटेल में कोर्स चलता है। और मेरे इस क्रैश कोर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत इजीली आप नीट में 150 प्लस का मार्क स्कोर टच कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चे जो एक बहुत अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं नीट 2020 में, वो मेरे इस क्रैश कोर्स को जरूर फॉलो करें। उस क्रैश कोर्स को फॉलो करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड हियर इज अनअकैडमी प्लस, प्लस अनअकैडमी प्लस पे क्या क्या अवेलेबल है तो देख लेते बच्चे। रेगुलर बच्चे अपनी क्विजेस एंड टेस्ट रहते हैं। रेगुलर क्विजेस एंड टेस्ट से क्या रहता है बच्चे, जो कुछ भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, आप उसको चेक कर पाते हो कि क्या जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, उससे नीट में कितने मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं, नीट स्पेसिफिक नीट के मार्क्स कितने पर, या फिर नीट में जिस उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं या जिस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं, क्या आप उनको सॉल्व कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, क्या आपका वो एप्टीट्यूड, वो अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट में, टॉपिक में डेवलप हो पाई है ताकि आप नीट के क्वेश्चन हैंडल कर सकें। तो ये आप रेगुलरली चेक करते रहेंगे और नहीं होगा तो उस टॉपिक को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अगली चीज़ जो अनअकैडमी प्लस की बहुत ही अच्छी फीचर है वो है बच्चे अपनी डाउट क्लियरिंग सेशन, मतलब आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर जो फोर्थ लेक्चर होता है, आफ्टर एवरी थर्ड लेक्चर जो फोर्थ लेक्चर होता है वो किसके लिए होता है बच्चे, डाउट क्लियरिंग के लिए डेडिकेटेड रहता है। मतलब इन 3 लेक्चर में जो कुछ भी पढ़ा
मान लीजिए वो जो पढ़ा वो बहुत अच्छा पढ़ा और आपको 95% तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, बट देन टू फोर्थ लेक्चर रहता है ताकि आप सारे डाउट्स डिस्कस कर सकें, अपना होमवर्क डिस्कस करें, कुछ कंसेप्चुअली मिस्टेक रह चुका है कंसेप्चुअल डाउट्स पूछ सकें, ठीक है। ये सारी चीजें कर कर आके बच्चे आप जो बचा हुआ 5% है उसको भी पक कर लेंगे। बच्चे होता क्या समझिए कि नीट के एग्जाम में और सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम में, सीबीएसई का हो या कोई भी बोर्ड परसेंटेज, जैसे कोई टॉपिक है लेट से उसको आपकी 95% अंडरस्टैंडिंग है, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो अगर आपने थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक कर भी दी तो टीचर आपको स्टेप मार्किंग के हिसाब से 4.5/5 दे देता है। लेकिन वही अगर बच्चे अपना नीट का एग्जाम है और किसी टॉपिक में आपकी 95% अंडरस्टैंडिंग है, 5% हल्का फुल्का नहीं आता और एक छोटी सी सिली मिस्टेक हो गई, तो आपको 4 में से 3 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 भी नहीं, -1, तो बहुत डेंजरस हो जाता है। ये 5% जो वहां पे कुछ भी नहीं 95% मार्क कर देते हैं और आप कहते वाह कितना तेज बच्चा, शाबाश बोर्ड में 95%, यहाँ पे बस वही 5% आपको -1 ले आते हैं। इसीलिए अपन देखते हैं कि बोर्ड में तो अपन उसी पढ़ाई से बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन नीट में नंबर अपने कम आते हैं। तो बच्चे ये -1 ना आए, ये अपने +4 आए, इसके लिए हमें इसको 100% करना है, और ये 100% कौन ले जाता है बच्चे, ये फोर्थ लेक्चर। तो अनअकैडमी पे इस बात का बिल्कुल बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है कि कैसे आपकी जो पढ़ाई हो वो इंक्लूसिव ऑल हो, मतलब उसमें आप अगर अनअकैडमी पे पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत कोई बात ही नहीं है, आप अगर आप अनअकैडमी के साथ हैं तो बच्चे आपकी जो प्रिपरेशन में जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो 100% पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप उस टॉपिक का अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे। अगली चीज बच्चे जो अनअकैडमी को किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अलग करती है, दैट इज लाइव क्लासेस। रिकॉर्डेड लेसन्स तो है ही है, साथ में लाइव लेसन्स रहते हैं। लाइव लेसन्स से क्या फायदा रहता है, जो बच्चे अपना स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो भी कुछ डाउट्स होंगे तुरंत पूछ सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया टीचर को दोबारा बोल सकते हो पढ़ाने के लिए, टीचर दोबारा समझा देगा, दोबारा नहीं समझ में आया तो टीचर अपना एक्सप्लेनेशन समझ देगा, कोई एग्जांपल और ले लेगा, 2-3 एग्जांपल और ऐड कर देगा ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वही रिकॉर्डेड लेसन होता तो अगर बच्चे आपको समझ में आए चाहे नहीं आए वो कंटेंट नहीं बदल जाएगा, बार बार देख जरूर सकते हो उसको पीछे करके, बट वो जो चीज़ जैसा एक बार बोली वैसी हर बार बोलेगा, तो अगर कोई चीज उस एग्जाम्पल से समझ में नहीं आ रही है दैट मीन्स आप फंस गए, फिर अब आगे का कुछ भी नहीं समझ में आएगा बिकॉज सारी चीजें उस पर डिपेंड होगी। दूसरी चीज रिकॉर्डिंग भी होती है, रिकॉर्डेड जो लेक्चर लाइव पढ़ाया जाता है वो सेव भी हो रहा होता है। अब रिकॉर्डिंग का क्या फायदा होता है, जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे, मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप कोई चीज भूल गए या फिर आप बीमार हैं लेक्चर नहीं देख पाए या ट्रेवल कर रहे हैं आपका क्लास छूट गई, तो आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी जो कि ऑफलाइन क्लास में नहीं रहती। तो अनअकैडमी पे दोनों के बेस्ट फीचर, ऑनलाइन में क्या है डिजिटल में क्या है कभी भी एक्सेस कर सकते हो, तो रिकॉर्डिंग्स भी है। ऑफलाइन में क्या अच्छा है कि स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, तुरंत तुरंत पूछ सकते हो, तो लाइव क्लासेस है तो वो भी पूछ सकते हो और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, तो दोनों की बेस्ट क्या कहते हैं फीचर्स को लाके लाइव क्लासेस इंट्रोड्यूस करी अनअकैडमी प्लस ने। अगली चीज बच्चे पर्सनलाइज लर्निंग रहती है, क्या मतलब है इसका, जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स है उस वो अनअकैडमी पे है। अब उसमें भी जिनका पढ़ाने का तरीका टाइमिंग सब कुछ आपको बेस्ट सूट कर रहा है, जिनका पढ़ाने का तरीका फ्रीक्वेंसी सब कुछ आपसे मैच करिए, आप उनको उनकी क्लासेस कर सकते हो। तो अगर जब अपने चूज किए हुए बेस्ट एजुकेटर, कोई लिमिट नहीं है कि इनकी क्लास कर सकते हैं इनकी नहीं कर सकते हैं, अगर अनअकैडमी नीट का सब्सक्रिप्शन ले तो नीट में जितने टीचर पढ़ा रहे हैं, मोर देन 50 टीचर्स आर टीचिंग फॉर नीट, तो आप सब समझ सकते हो हर सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 15-15 टीचर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, 15 से ज्यादा। तो आपको जिसका समझ में आ रहा है बेस्ट उनसे क्लास लीजिए, उनकी उनसे पढ़ाइए, तो आपके पास क्या होगा लोड नहीं होगा और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आप बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे तो आपका कोर्स बहुत अच्छे से, ठीक है। चूज योर टीचर, एक तो सारे के सारे बेस्ट है और बेस्ट में से भी आपको चूज करने को मिल रहा है, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द, ठीक है। और आप देख सकते हैं दिस आर द कोलाज ऑफ सम टॉप एजुकेटर्स ऑन द अनअकैडमी प्लस।
इसके साथ आप जब जाएंगे आगे तो कोर्स का डैशबोर्ड में मिलेगा, कोर्स फॉर नीट 2020 पार्ट बी जो मेरा है, मैं आनंद मणि हर्ष जलाली सर लेके आए हैं अकेडमी प्लस पे, इसको फॉलो करेंगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चे अपने पास ड्रॉपर्स बैच जो 13th है, ये 12th है, ये 11th, सभी के लिए बच्चे 41 नंबर ऑफ टेस्ट है। 41 नंबर ऑफ टेस्ट जब आप दे दोगे तो बच्चे टेस्ट से आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे, वेरी कंफर्टेबल विद टेस्ट। जब टेस्ट से बच्चे आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे तो क्या होगा, अगर आपसे कभी भी कोई चीज पूछी जाएगी या फिर जैसे टेस्ट में अपन नर्वस हो जाते हैं, टेस्ट से डर लगता है, टेस्ट देने से पहले वो डर खत्म हो जाएगा। टेस्ट 41 टेस्ट समझ रहे हो, इतने टेस्ट दे दोगे ना तो टेस्ट देना घर जैसा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल, डे टू डे रूटीन वाला काम लगेगा, रूटीन जैसा हो जाएगा ये। अब रूटीन वाले किसी भी काम को करने में नर्वसनेस नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना ब्रश करना, अरे यार आज ब्रश करना, आज नहाना है, उसमें थोड़ा नहाने में ठीक है, ठंडियों में थोड़ा डर लगता है, ठीक है, बाकी ऐसा तो डर नहीं कि हाय कैसे करेंगे, ठीक है पानी डाल लेंगे हो जाएगा, तो वो चीज रूटीन कन्वर्ट हो जाएगा। जो बच्चे टेस्ट देने का, टेस्ट का फोबिया होता है, जो डर होता है, वो यहाँ पे कवर हो जाता है जब आप इतने। तो बच्चों दो देर कितनी बात की है, इंस्टॉल करें अनअकैडमी का लर्निंग ऐप और फिर सब्सक्रिप्शन पे जाएं, और 6 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अभी के टाइम के हिसाब से। आई विल रिकमेंड, अगर आप नीट 2020 को लेके फोकस है, तैयारी करना चाहते हैं, तो बच्चे 3 मंथ का प्लान लें। 3 मंथ, जैसे अभी ये 6 मंथ की डिटेल दे रखी है, तो 6 मंथ की फीस 24,000 पड़ेगी। उसमें भी अगर बच्चे ये मेरा कोड ASLIVE यहाँ लिखा हुआ है, ASLIVE, बच्चे स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वही 24,000 की फीस आप देख सकते हैं, 21,600 की पड़ेगी। और वही अगर बच्चे आप 3 मंथ का प्लान लेंगे तो पर मंथ के 5,000 के हिसाब से आपको पड़ेगी फीस 15,000। जैसे जैसे नंबर ऑफ मंथ बढ़ते हैं पर मंथ की कॉस्टिंग घट जाती है। उसमें बच्चे ये मेरा कोड लगा देंगे तो -10% हो जाएगा, 10% ऑफ 15,000 कितना होता है जल्दी से बताओ, 1,500 रुपये माइनस कर दीजिए, तो जो टोटल फीस पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी, 13,500 रुपये। तो बच्चे देखेंगे कि बहुत नॉमिनल सी, बहुत नॉर्मल सी फीस है, इससे बच्चे पूरा का पूरा बच्चे नीट का सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। तो इन बच्चों के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने सिर्फ 12th की प्रिपरेशन करी है, नीट की प्रिपरेशन ही नहीं करी। तो आप सोचो इन्हीं सिर्फ इतनी सी फीस में, मैं ये दे रहा हूँ बात, बता रहा हूँ आपको कि अगर आप ये मेरे 4 कोर्सेज को फॉलो करते हैं या फिर अनअकैडमी पे सारे कोई सा भी कोर्स फॉलो करते हो और आपने सारे टॉपिक एक बार पढ़ लिए इन 3 महीने में, जैसे मैं अपने कोर्स के इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मेरा क्रैश कोर्स है, तो मैं इस टाइम लिमिट में पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाऊंगा तरीके से, डिटेल्ड थ्योरी और न्यूमेरिकल्स। तो मेरे दिए हुए कोर्स को अगर फॉलो करोगे तो फिजिक्स में तो मैं कह सकता हूँ बड़े आराम से आप 150 प्लस मार्क्स ले आते हैं। तो बच्चे जरूर करें। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो बच्चे मेरे को इस नंबर पे कॉल कर लो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, अनअकैडमी का नंबर नहीं है, मेरा पर्सनल नंबर दे रहा हूँ एज अ टीचर, फिर भी सोच लो। तो इस पे आप कॉल कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं तब भी डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो अपने पेरेंट्स से मेरी बात करा सकते हैं, मैं पेरेंट्स को गाइड करूंगा व्हाई दिस कोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देख सकते हैं फीस यार, इतनी फीस में तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा आपको 3 महीने तक, और फिर कंप्लीट फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, कंप्लीट सिलेबस। तो बच्चे जरूर अप्लाई करें, ये 13,500 रुपये में मेरा कोड लगाने के बाद, AS लाइव लगाने के 13,500 रुपये में कंप्लीट आपको बच्चे पैकेज मिल जाएगा नीट का, जिसके लिए बच्चे अगर आप मेरा फोन नंबर है इसको पे कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट हो डिस्कस कर सकते हैं, अपनी पेरेंट्स से मेरे से बात करा सकते हैं, मैं उनको भी गाइड करूंगा। सिमिलरली जहाँ पे जो बच्चे नीट 2021 या 2022 को लेके फोकस है, उनके लिए 2 प्लान्स हैं, 12 मंथ और 24। 12 मंथ की फीस आपको 30,000 पर ईयर पड़ेगी, उसमें भी वही सेम बात, अगर ये मेरा कोड AS लाइव लगा दे सकते हैं तो 27,000, 10% का ऑफ हो जाएगा 27,000। और वही अगर 12 मंथ का, 24 मंथ का प्लान लेते, देखिए 54 प्लस टॉप एजुकेटर्स लिखा हुआ है, 48,000 फीस पड़ेगी। वापस से बच्चे यही मेरा कोड AS लाइव लगा देते हैं, 10% तुरंत डिस्काउंट हो जाएगी, 43,200 रुपीज़ फीस पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा सीधा सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने है, टिक 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 1, 1 मिनट का समय दिया, जल्दी से सॉल्व करें, सभी लोग डायग्राम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर अपन डिस्कशन शुरू करते हैं इसका।
ओके बच्चों देखा जाए लेवल टर्न ऑफ रेडियस। बच्चे एक कार को घूमना है, पेन का कलर लाल कर ले रहा हूं। जिस ट्रैक पे घूमना है उसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है बच्चे, 45 मीटर। कंफर्टेबल? इफ द कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड म्यू एस की वैल्यू अगर बच्चे 2.0 दे रखी है, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड दैट कार कैन टेक विदाउट स्किडिंग। बिना स्किड किए हुए कितनी मैक्सिमम स्पीड पे टर्न ले सकता है, ये आपसे पूछा है। तो बच्चों अगर ये इसको घूमना है तो इसको घूमने के लिए क्या सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा, ग्राउंड से सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स। वो फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर सकता है? देखो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, तो ग्राउंड से वो फोर्स कौन मिल सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ही मिल सकता है बच्चे, बिकॉज नॉर्मल तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर लगेगा, एमजी भी नीचे लगेगा, तो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स मिल सकता है वो कौन सा मिलता है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इसको क्या प्रोवाइड करेगा? रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स किसके बराबर होता है? एमवी स्क्वायर बाय आर। कंफर्टेबल है? अब फ्रिक्शन मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो वी मैक्स करने के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम करना पड़ेगा, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? म्यू एस इनटू एमजी। ये किसके बराबर हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। एम से एम काट दो, देखो एम एम शहीद हो गए। म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 2.0 इंटू जी की वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है? 45। तो 20 इंटू 45 कर देंगे, कितना आ जाएगा? यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900, यहां से बच्चे वी की वैल्यू आ गई 30 मीटर पर सेकेंड। कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। कंफर्टेबल है? क्वेश्चन नंबर 2। ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस इज टू बी डिजाइन फॉर कार्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अगर बच्चे 180 किलोमीटर पर आवर दे रखी है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितनी आ जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ द ट्रैक? तो समझना बच्चे, अगर बैंकिंग कर दी तो किसी थीटा एंगल पे बैंक कर दिया, बैंकिंग कर दूंगा तो ये जो अपनी कार है बच्चे इस पे नॉर्मल इधर लगेगा। हमें 600 मीटर का रेडियस का कुछ टर्न कराना है, ये कुछ इस तरीके की सड़क होगी, हमें कुछ ये 600 मीटर रेडियस का कराना है। तो बच्चे समझना, पेन का कलर वापस से बदल दे रहा। ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी थीटा। तो नॉर्मल का टुवर्ड्स दिस कंपोनेंट कितना आएगा? एन साइन थीटा। और टुवर्ड्स दिस कंपोनेंट कितना आएगा? एन कॉस थीटा। तो एन साइन थीटा ही क्या इसे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, बिकॉज सेंटर की तरफ तो यही फोर्स लग रहा है। तो हमें दिख गया एन साइन थीटा किसके बराबर होगा? एम वी स्क्वायर बाय आर। और नॉर्मल का कॉस कॉम्पोनेंट क्या बच्चे इस गाड़ी के वेट mg को बैलेंस कर रहा होगा? बिल्कुल बैलेंस कर रहा होगा। 1 और 2 का रेशियो निकाल लीजिए, यहां से tan थीटा किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर बाय rg। tan थीटा किसके बराबर आ गया? v स्क्वायर बाय rg। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है? चलिए तो यहां से v की वैल्यू बात करें, अंडर रूट rg tan थीटा। तो वेलोसिटी आ गई अंडर रूट rg tan थीटा। रेडियस कितना है? 600। जी कितना है? 10। हमसे क्या पूछा था? बैंकिंग का मतलब 10 थीटा की वैल्यू पूछी है। सॉरी, यहां से इरेजर लिया, वापस से पेन लिया, तो 10 थीटा की वैल्यू पूछी है
तो वी स्क्वायर बाय आर जी, वी स्क्वायर मतलब हमने निकाला 50, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 50 into 50 अपॉन आर कितना बचे 600 into जी कितना बचे 10, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 से काट देंगे 60, 12 जा, तो थीटा की वैल्यू आ गई बच्चे 10 inverse 5/12, दिस इज आवर आंसर। कंफर्टेबल है बच्चे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। मैं थोड़ा सा डायग्राम में आपकी हेल्प कर देता हूं। ये कह रहे हैं एक सीलिंग से एक पार्टिकल मास m का लटक रहा है थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, द पार्टिकल मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। पार्टिकल कुछ इस तरीके से r रेडियस के हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, मतलब कैसा है ये कोनिकल पेंडुलम, ये किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, कोनिकल पेंडुलम की, ठीक है। निकालिए, एंगल थीटा बोल दिया, क्या बच्चे टेंशन इधर लग रही होगी क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा क्या ये एंगल भी थीटा होगा, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा ये वाला, और अलोंग दिस कंपोनेंट कितना आएगा टी साइन थीटा, क्या ये mg के बराबर है, और t sin थीटा की बात करूं क्या ये m v स्क्वायर रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉल r हमें दे रखा है। हमसे पूछा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल पूछा है, तो हम इन दोनों का क्या क्या ले लेते हैं बच्चे, रेशियो ले लेते हैं। इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो यहां से क्या जाएगा बच्चे, cos थीटा बाय sin थीटा, tt तो कट जाएगा, mm कट जाएगा, कंफर्टेबल है, वो कितना आ जाएगा आर जी अपॉन वी स्क्वायर। तो यहां से बच्चे v इज इक्वल टू अंडर रूट आर इंटू जी इंटू टेन थीटा आ जाएगा। अगर यहां से देखो बच्चे ट्राइंगल है आपके पास, अगर मैं ट्राइंगल में ये लेंथ l दे रखी है, ये r दे रखी है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आ जाएगी। नए पेज ले लेते हैं बच्चे, तो v इज इक्वल टू अपने पास आ गया रूट ओवर आर जी टेन थीटा, रूट ओवर आर जी टेन थीटा की वैल्यू बात करें तो आर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ले देंगे, तो फाइनली आंसर आ गई वेलोसिटी की रूट ओवर आर स्क्वायर जी अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कंफर्टेबल है, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। ये क्वेश्चन शायद मैंने अभी करा दिया है, सेम
ये क्वेश्चन स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से। देखा जाए बच्चे इस क्वेश्चन को, देखते क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। एक बकेट ली बच्चे, इससे इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है। तो जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे है तो नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, एमजी भी नीचे लग रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा है व्हाट कैन बी द मिनिमम स्पीड एट द टॉप ऑफ द पाथ इफ द वाटर डज नॉट फॉल। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर मेरे को तो नॉर्मल प्लस एमजी दिख रहा है, और क्या यही इसको रिक्वायर्ड, अगर ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। तो नॉर्मल प्लस एमजी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हमें वी मिनिमम स्पीड निकालनी है, मिनिमम के लिए ये टर्म मिनिमम होना चाहिए। तो नॉर्मल तो देखो mg तो कम हो नहीं सकता, नॉर्मल की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, जीरो, तो हमने जीरो पुट कर दी। तो उस केस में m से m कट गया, v की वैल्यू आ गई अंडर रूट rg, ठीक है। पहला पार्ट, तो मिनिमम स्पीड कितने से घूमे, v इज इक्वल टू rg से। अब बोला इसी स्पीड से अगर कंटिन्यू करता है तो जब लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो नॉर्मल बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी। तो लोएस्ट पॉइंट पे होगा तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा बच्चे, और v स्पीड भी इसके पास। अब इस केस में नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर देखूं तो कितना लिखूंगा, n माइनस mg, वो किसके बराबर हो रहा है, mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल की वैल्यू mg प्लस m इंटू rg बाय r, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 2mg, कितनी आ गई। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से करें सभी लोग। देखा जाए बच्चों, देखते हॉलो वर्टिकल सिलेंडर है, क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है। ये एक हॉलो वर्टिकल सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस एंड अ पर्सन रेस्ट अगेंस्ट द इनर वॉल एट अ पर्टिकुलर स्पीड ऑफ द रोटर, द फ्लोर below the person is removed and the person hangs resting against the wall। ये आदमी यहाँ पे खड़ा है और इसके नीचे से जमीन हटा दी, removed। अब समझना इसकी समस्या दीवन में। without any floor, बिना जमीन के खड़ा है, जमीन पांव के नीचे से जमीन खिसक गई, कहते ना कहावत, वही हो गया। if the radius of the rotor is 2 meter, इसकी रेडियस 2 मीटर दे रखी है, एंड द कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन म्यू की वैल्यू 0.2 दे रखी है, फाइंड द मिनिमम स्पीड एट व्हिच द फ्लोर मे बी रिमूव्ड। तो बोले कितना मिनिमम स्पीड पे ये रिमूव किया सकता है। तो समझना बच्चे, अगर ये नीचे नहीं गिर रहा मतलब इसके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस हो रहे हैं, और फोर्सेस की कहानी डिस्कस करूं तो mg ऊपर लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा, और मिनिमम की बात करें तो फ्रिक्शन लिमिटिंग केस का लग रहा होगा म्यू इनटू एन, नॉर्मल कुछ ऐसे मिल रहा होगा, नॉर्मल अगर ऐसे मिल रहा होगा तो ये घूम रहा है साथ में,
तो नॉर्मल ही तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स दे रहा होगा. रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर. मिनिमम स्पीड, स्पीड पूछा है. तो यहां से फ्रिक्शन की वैल्यू क्या म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू एम वी स्क्वायर बाय आर हो गई बच्चे. और क्या ये mg के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. m से m कट गया. म्यू की वैल्यू क्या बच्चे 0.2 दे रखी है, तो लिख दीजिए. v स्क्वायर की वैल्यू तो देन निकालनी है, इज इक्वल टू r को उधर बोलिए 2 into 10. तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहां से, ये कट गया 100. v की वैल्यू आ गई 10 meter per second. सिंपल सा क्वेश्चन, कंफर्टेबल है बच्चे. चलिए आज के लिए इतना, कल आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सुंदर सुंदर बेहतरीन बेहतरीन सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को कल सॉल्व करते हैं. ठीक है बच्चे, तो मेरा लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं. और बच्चे अनअकैडमी प्लस को नीट 2020 में सिलेक्शन लेने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे लेवल पे बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी प्लस को जरूर सब्सक्राइब करें. तो सब्सक्राइब करने के लिए बच्चे ये कोड ASLIV जरूर लगाएं, जिससे कि बच्चे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा तुरंत का तुरंत. और अगर कोई दिक्कत हो, कुछ इश्यूज हो, तो मेरे को 9540316090 इस नंबर पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू. ठीक है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हो तभी कर सकते हैं, कैसे भी इश्यूज हो, कुछ भी इशू हो तो मैं आपको फोन करें, आई विल गाइड यू. अपने पेरेंट्स से बात करा सकते हैं ताकि मैं उनको समझा सकूं कि व्हाई दिस फीस इज वेरी वेरी रीजनेबल फॉर यू. ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद.